जी हाँ, इमोर्टल अश्वत्थामा देखने को मिलने वाली है फाइनली विक्की कौशल के साथ में, नहीं अल्लू अर्जुन के साथ देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक अल्लू अर्जुन ने हाँ नहीं कहा फिल्म को लेकर। उनके पास फिल्म गई है और बातचीत चल रही है अभी इमोर्टल अश्वत्थामा को लेकर। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगे बजट की फिल्म थी, विक्की कौशल को लीड में लेकर किया जा रहा था। लेकिन पर्सनली मुझे भी ऐसा लग रहा था, लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म और मजाक उड़ाने के नज़रिए से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मेरे नज़रिए से मुझे जो लगता है मैं कहूँगा। देखिए, विक्की कौशल अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, मसान में भी देख लीजिए, और चाहे फिर वो हम अभी देख लें उनकी लेटेस्ट फिल्म जो हमें सुजीत सरकार के साथ देखने को मिली थी, उसमें भी उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एज अ हीरो वो उतने बेहतर नहीं है। देखिए, अच्छा एक्टर होना एक अलग बात हो जाती है और एज अ हीरो होना एक अलग बात हो जाती है। अच्छी बात यह है कि अल्लू अर्जुन हम हमको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात मैं ये कह रहा हूँ हीरो और एक्टर के रूप में, तो देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे एक्टर थे, इरफान खान थे, ठीक है, जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं, इरफान खान थे और मनोज वाजपेयी भी हैं। लेकिन इनको अगर आप देखें तो आप इनको लीड में किस फिल्मों में ले सकते हैं, इनकी जो लीड वाली फिल्में देखने को मिलती है वो अलग प्रकार की फिल्म होती है, वैसे हीरो वाली फिल्म नहीं देखने को मिल सकती। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेट गेम्स में हीरो बन सकते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर में बन सकते हैं, अब किक में उन्होंने विलन का कैरेक्टर किया, किक में आप उसको डेविल का किरदार नहीं दे सकते, सलमान खान वाला कैरेक्टर नहीं दे सकते, टू मच पर नहीं करवा सकते, वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका जॉनर नहीं है। इरफान खान एक्सेप्शनल केस है, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मगर दूसरा एक्टर जो है वो चीज़ें नहीं कर सकते। एज एन एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं विक्की कौशल, लेकिन इस तरह की फिल्म में जिसमें इतना महंगा बजट है, जिस फिल्म को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी और बहुत सारी चीज़ लगेगी, बहुत सारे ऑडियंस को खींचना जरूरी है, मुझे लगता था पहले से भी कि विक्की कौशल के साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। फाइनली अच्छी बात यह है कि अल्लू अर्जुन से बातचीत चालू हो रही है, जब हम पहले से ही जानते हैं कि 30 करोड़ रुपये खर्च हो चुका था फिल्म को, और उसके बाद फिल्म को डिब्बा बंद कर दिया गया था, शेल्फ कर दिया गया था फिल्म को पूरी तरीके से, लेकिन फाइनली फिर से बातचीत चल रही है अल्लू अर्जुन के साथ में, क्योंकि अल्लू अर्जुन के पास फिर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है अल्लू अर्जुन का, और स्टार्टअप अभी पुष्पा के बाद तो इतना ज़्यादा हो चुका है अल्लू अर्जुन का कि वाकई में अगर वो फिल्म कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ी ह्यूज हिट ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि महंगा बजट है तो ऐसे में रिकवर करना भी मुश्किल होगा। किसी बड़े एक्टर को चाहिए जिसके पास स्टारडम भी काफ़ी बड़ा हो और वो करने के लिए तैयार भी, तो अल्लू अर्जुन ने फिलहाल हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उम्मीद यही है कि अल्लू अर्जुन के साथ हमको देखने को मिल सकती है फिल्म इमॉर्टल अश्वत्थामा।